हेलो फ्रेंड्स, इसमें ये शबीर आलो देख रहे हैं अली व्लॉग्स, और ये मेरी गिटार रिपेयरिंग का पार्ट टू है। आप देख सकते हैं मैंने ये नेक पूरी जोड़ दी है और बैक साइड में मैंने खुद बहुत सारी भर भर की ग्लू लगाई है इसके अंदर, और इसी नेक पे काफ़ी वेट दिया है और उसको बिठा दिया है। और अभी इसमें मैंने एल्फी और ग्लू काफ़ी टाइट से भरी है, तो अब मुझे इसको नेक को सीधा रखने के लिए और मज़बूत करने के लिए मुझे इसको सीधा रख के इसके ब्लॉक का वेट रखना पड़ेगा, ताकि अपने वेट से काफ़ी दबे और इसकी नेक बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, ताकि आगे पीछे मूव नहीं हो। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने फुल ग्लू भर के इसको फिर ब्लॉक रख दिया है इसके ऊपर, गिटार के ऊपर। आप ये देख सकते हैं मैंने ब्लॉक रखा है, उसकी नेक को बिल्कुल सीधा रखा है और वेट इसके ऊपर है, ताकि इसमें जितनी नेक पे प्रेशर पड़ेगा और ये उतनी मजबूत हो जाएगी। तो मैंने इसको पूरी एक रात के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली मेरी गिटार की नेक मजबूत हो चुकी है। मैंने देखने उसको 12 से 14 घंटे के लिए छोड़ दिया था गिटार को, और अब इसका ये नट है मैं इसको भी बनाऊँगा, और उसमें स्ट्रिंग्स फंसती हैं सारी, और ये मेरी स्ट्रिंग्स रखी हुई हैं सारी यहाँ पे, और मेरे पास एक स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग वो मुझसे मिस हो गई है कहीं पे। तो बस मैं फाइनली बस इसको स्ट्रिंग्स लगा के इसके बाद ये नट की सेटिंग करके नट में इसको एडजस्ट करके गिटार की ट्यूनिंग करके आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये मैं इसको एल्फी लगा रहा हूँ ताकि अपनी जगह परफेक्ट होके फिट हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको आरी से इसके स्ट्रिंग्स के सारे साइज़ लेके उसके हिसाब से काट के इसमें स्ट्रिंग्स फंसाऊँगा। तो फ्रेंड फाइनली मेरा गिटार रेडी हो चुका है और मैंने गिटार में स्ट्रिंग्स लगा दी हैं, और यहाँ मेरा गिटार अब रेडी हो चुका है बिल्कुल। आप देख सकते हैं सारे स्ट्रिंग्स लग गई है और नट्स इसका बना के मैंने उसमें स्ट्रिंग्स फिक्स कर दी हैं। आप ये कंडीशन देख सकते हैं अभी गिटार की, मैंने इसकी नॉक्स में सारी ऑयलिंग भी करी थी, ये मैंने पूरा बना दिया है इसका, इसमें सारी स्ट्रिंग्स फंस चुकी हैं। ये रही और मेरी ई स्ट्रिंग नहीं है इसके अंदर, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये सारी स्ट्रिंग्स मेरी लग गई हैं और अब मेरा गिटार बिल्कुल परफेक्ट और रेडी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा गिटार फाइनली रेडी हो चुका है और मेरी बेटी गिटार बजा रही है और वो बहुत खुश है कि इसे गिटार मिल गया है। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाते बताइएगा मैंने गिटार बनाया कैसा लगा आप लोगों को, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा अली व्लॉगिंग चैनल, अपने फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ मेरा चैनल लाजमी शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करेगा, ताकि मेरी और वीडियोज़ आप लोग तक पहुँचें, और मेरे चैनल को लाजमी शेयर करिएगा, मेरी और सारी वीडियोज़ भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।